मुझे तुमने वो तुम्हारी कौन सी फिल्म थी फूल और कांटे, दो मोटरसाइकिल पर तुम खड़े होकर आए थे ना, मैं भी वो स्टंट कर चुकी हूँ दो ट्रेन पर। बाद में हुआ क्या था ये भी तो बताना। ये पाजी दिल्ली स्टेशन पे खड़ी दो ट्रेन के ऊपर आए रख के, एक ट्रेन इधर निकली एक इधर, इसकी आधी सलवार बैंगलोर आधी लुधियाना पहुंच गई। ऐसा भी कुछ नहीं, चुप कर, क्या ताली बजाते रहते हो? बाकी एक आ गई, ये तो बीच में स्टेशन पे इकट्ठी करी हमने, तो दोबारा सैंपल किया इसको। काम वो किया कर जो औरतों पे सूट करते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है अजी, तुम्हें पता है मैं अपने मुंह से भी आग निकाल चुकी हूँ एक बार। कब कैसे? एक तो हर चीज उल्टी करती है, इधर चूल्हे में फूंक मार रही थी, भूल गई मैंने दारू पी हुई है, उसने आग पकड़ ली। ऐसा नहीं है, तुम ताली बजाती रहती हो बीच में बैठ के। तुम्हें पता है ये तुम्हारी जो फिल्म आ रही है ना, इसकी सारी स्टंट्स मैं ही करने वाली थी। तो किए क्यों नहीं फिर? रोहित शेट्टी उससे बहस हो गई, बहस में मैं जीत गई, मुक्के में वो जीत गया। तो जानते हो ना मुझे, उसका जो बाइसेप है ना मेरे थाइसेप से भी बड़ा है। तो क्यों लेती है पंगे फिर उसके साथ? तू क्यों ले रहा है मुझसे पंगे? बड़ा है स्टंट 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 के बारे में बोल रहा है, अगर मर्द का बच्चा है तो जो मैं स्टंट कहती हूँ वो करके बता। बता कौन सा स्टंट लिया? यही टॉपिक घुसेड़ देती तुझे, बाग अंदर जा पागल कहेगी। मैं नहीं जाऊंगी। ए मंगरी आंटी ये क्या मजाक है? अरे वाह 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 बेटा वाह वाह, ये तो कमाल की बात हो गई, यही चीज अक्षय कुमार करे तो स्टंट, मैं करूं तो मजाक है। हेलो अजय जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। हेलो करीना जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन। आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। करीना जी मैं आपसे जरा बात करना चाह रही थी, आप जो है ना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आप ना मतलब आपकी आपकी शक्ल एकदम आपके पापा पे गई है, मतलब लाइक फेयर एंड फ्रेश एंड व्हाट अ स्किन, ब्यूटी ब्यूटी। आंटी आप भी पूरी ना भालू पे गई, मैं दो चार बाल ही कम है आपके पास। चुप करना क्यों, इसके मुंह लग रहा है तू, दफा कर इसे, चले जा चल। ऐसा थोड़ी ना दफा हो जाऊंगा मैं, जिस काम के लिए आई हूँ काम करके जाऊंगी। नहीं देखिए मैं आपसे करीना ये आपको खाली बताना चाह रही हूँ, मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि मैंने स्टंटमैन का काम शुरू कर दिया है। अच्छा? तो अब अगर आपकी फिल्म में आपको बॉडी डबल की जरूरत पड़े तो आई एम अवेलेबल। मेरा दिमाग खराब है, बॉडी डबल मतलब ये नहीं कि बॉडी भी डबल होनी चाहिए, मेरी तो ट्रिपल ट्रिपल पता नहीं क्या क्या है। जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं बेटा बात मत किया करो। बॉडी डबल में बॉडी ऐसे जरा 19-20 हो आगे पीछे हो चलता है, शक्ल मिलनी चाहिए और मेरी शक्ल और करीना जी की शक्ल देखे सेम। कहां कश्मीर की वादियां, कहां युगांडा का नक्शा, मर क्यों नहीं जाती तू? झूठ बोलने से पहले शरम, बोकुड़ दाढ़ी शरम कर। अरे मुझे देखो, मैं गोरी चमड़ी, इतनी फेयर फ्लॉलेस स्किन है मेरा, यहाँ तक कि मेरे फीचर्स जो है वो इसके चाचा ऋषि कपूर से भी मिलते हैं। उसके बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं होती अपनी बराबरी करीना से करने की, इसकी हिम्मत देखो। सुना सुना आपने, सुना आपने सुना, इसने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती। अब जिसकी हिम्मत नहीं होती वो स्टंटमैन कैसे बनेगी? स्टंटमैन कैसे बनूंगी? मैं बनूंगी स्टंटमैन, ये क्लियर हो गया 100%। अगर किसी को हक है स्टंटमैन बनने का, इट इज मी, ओनली मी। मैं बताती हूँ स्टंटमैन तू कैसे बनेगी। अब देख देखो मानो रुक जा, समझती क्या मैं आपको तू दादी बस। क्या कर रहे हैं आप लोग? बात कैसे करती है गलत बात। आज आप लोगों को खुश होना चाहिए, आप लोगों का 100th एपिसोड है और आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है आप कहते तो हम नहीं लड़ते। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि 100th एपिसोड है तो ऐसे मत लड़ो, हवा में लड़ो या कुछ नया करो ना। हवा में? हवा में क्या बोलती बुड्ढी? मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर उड़ूंगी कैसे।
अभी उड़ाते हैं हवा भर के, अभी अभी उनको उड़ाते हैं। आप लेके आई जरा, हवा से कहीं ऊपर ही ना उड़ ले। दोनों बुड्ढे वॉरियर्स तैयार है लड़ने के लिए? चलो रेडी एक्शन। अच्छा बस करो नीचे ले लो, नीचे ले लो, बस करो अभी नीचे जाओ। ऊपर वाले से डर बिट्टू शर्मा, ऊपर वाले से डर। अभी लड़ो मत, अरे सर इनको खोल दो आप। मैं क्या कह रही थी अजय, तुम मुझे खोल रहे हो, आओ मैं तुम्हें खोलती हूँ। उधर खोल दो, इतना खोल दिया मैंने, वो भी खोल दो। दादी तू हटती नहीं है, एक आदमी तेरी मदद कर रहा है, तू नजायज फायदा उठा रही है। तुम फायदा क्या, मैंने भी तो इनकी मदद की। क्या मदद की है? इनकी दाल जो है खाली खाली से। इधर वाले को बुरा लगेगा, ऐसे नहीं करते अजय। इधर वाले को और देखो तुम लोग लड़ क्यों रहे हो आज, आज 100वां एपिसोड दादी, कोई डांस को गाना बाना होना चाहिए। तुम लोग लड़े हवा में लटक के पेप को कही की। चल कुड़िया ये बात तो सही है, डांस को तो हमेशा से यार व्हेनेवर यू वांट। अरे मैं जब से देख रही हूँ अजय आया है सबको मना कर रहा है डांस करने के लिए। आओ आओ बुढ़िया आओ, कुछ ऐसा डांस करे कि अजय भी पिघल जाए, हम बताए कि अजय को कैसे लुभाते हैं और करीना को भी पता चल जाए कि हम दोनों उससे कम नहीं। कितना वाह याद डांस किया इन लोगों ने। तुम लोगों को कम से कम 20-20 साल की कैद और आगे तुम लोगों के बच्चों को भी डांस करना है से मनाही होनी चाहिए। काले पानी की सजा होनी चाहिए तुम लोगों को। अपनी दादी को बोल बेटा, मैं तो कर रही थी ठीक है। अजय ऐसे नहीं पिघलने वाला। फिर कैसे? मैं अभी बताती हूँ, जो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है हाँ? वो इंडिया का सबसे अच्छा डांसर है, मेरे से भी अच्छा डांस करता है। अगली बार सैर को भेजने वाली हूँ मैं सैर के। बुलाइए प्लीज, कहाँ है? पॉम्पी को बुलाओ प्लीज। पॉम्पी जी प्लीज प्लीज। अब ये दिखाएगा डांस क्या होता है। आप डांस करेंगे बेटा? हेलो दादी। हेलो, I like your hairstyle first of all. I'm going to teach you dance. कहाँ से? Sexy dance. Yeah. तो ठीक तो है? तुमसे अच्छी। एक बार जोरदार तालियाँ करीना के हेयर स्टाइलिस्ट पॉपी के लिए। क्या बात है करीना, आप तो मतलब टैलेंटेड हैं ही, आपके आसपास सारा स्टाफ भी इतना टैलेंटेड है। बिल्कुल। क्या बात, मजा आ गया, जोरदार तालियाँ हो जाए। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे 100th एपिसोड में आए और आपने आगे 4 चांद लगा दिए, जोरदार तालियां। और उम्मीद है सर आपको, करीना आपको, आप सबको मजा आया होगा कमेंट नेट्स में आके। बिल्कुल मजा आया एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट 100th एपिसोड पे हम आए हैं। अरे थैंक यू सो, ऑल द बेस्ट। ओ हो वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी एक जमाना होता था कि क्रिकेट वही लोग देखते थे जो खेल के शौकीन है। अच्छा? लेकिन आज जो क्रिकेट है वो एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है, बिकॉज लोग हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता होता है कि चौका या छक्का लगे तो लड़की नाचती है। सो कहने का मतलब पाजी, पब्लिक हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढती है। करेक्ट। सो इसी एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए आज हमने इनवाइट किया है फिल्म एंटरटेनमेंट की पूरी स्टार कास्ट को, जोरदार तालियां एक बार। क्या हुआ कपिल? दो ही लोग आए। हाँ हम दोनों का ही मेन रोल है। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई जान के कि एंटरटेनमेंट में हीरो जो है हमारे मिथुन दा है और हीरोइन तमन्ना। वाह जोरदार तालियां।
ये मेरे बाप का रोल प्ले कर रहा है। आजकल आप काफी पापा बन रहे हैं फिल्मों में, मतलब फिल्मों में, मतलब अभी हाल ही मैंने देखा किक में आप सलमान भाई के पापा बने थे, अभी तमन्ना के पापा। आपका दिल नहीं करता मिथुन ये सब छोड़ के वापस वही चमकीली पैंट पहन के आओ आया कैसे मिथुन आते थे ना पूरा कपड़े और डिस्को ये वो, पैंट के ऊपर 150-200 वाट के बल्ब लगे होते थे। अरे मिथुनदा के स्टेप्स जो होते ना वो बड़े डेलिकेटली होते थे, ये बल्कि आपस में टांगे ना टकराए, ये इसी वजह से दादा कि कहीं बल्ब टकरा के टूट ना जाए। ऐसे क्वेश्चन है ऑडियंस के मन में कि नाचते वक्त गाते जब ये रिटेक होता था या बल्ब टूट जाते थे तो उसके पैसे आपकी पेमेंट में से कटते थे दादा। देखो पाजी पैसों की बात करो तो मैं फिर इनसे भी पूछूंगा पैसों की बात। ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। दादा तमन्ना ना थोड़े दिन पहले भी यहाँ पे आई थी तो उस दिन मुझे ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे 2-4 पर्सनल बातें कर लूं। तेरी बड़ी तमन्ना जग रही है। उस दिन ईशा थी ना, आज नहीं है ना इसीलिए। मैं आप ही पे फोकस कर रहा था, ईशा तो ऐसे ही आ गई।